نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى صدق الله العظيم। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़्ल व एहसान है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ के ख़ास और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नालैन मुबारक के तसद्दुक़ से हमें अपनी बारगाह में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। पिछले जुमातुल मुबारक की नशिस्त में मैंने इस बात पर रोशनी डाली थी और सूरह अन-नज्म और सूरह बनी इसराइल की आयात की रोशनी में इस बात का जायज़ा लिया था कि शबे मेराज ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खालिक, अपने मालिक और अपने रब का दीदार किया या ना किया। अब उन सारी बातों को दोबारा दोहराना तो मकसूद नहीं है, मगर उसका लुब्बे लुबाब और उसका ख़ुलासा ये है कि सूरह बनी इसराइल की पहली आयत और सूरह अन-नज्म की कमोबेश कोई आखिरी 7-8 आयत वो बड़ी सराहत के साथ इस बात पर दलालत करती हैं और इस बात पर बैन सबूत हैं के ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़रे मेराज का क्लाइमैक्सी ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औ अदना के मकाम पर बिठा कर बिला हिजाब अपने महबूब को अपना दीदार अदा किया। आज उसी मज़मून को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ और वो बातें जो पिछली नशिस्त में हम शामिल नहीं कर सके, मैं चाहूँगा कि उनको भी थोड़ा सा साथ मिला लूँ। हाज़रीन मुकर्रम, आप ज़रा एक लम्हे के लिए जायज़ा लें और इस बात पर गौर करें कि सूरह अन-नज्म की 18 आयतों के अंदर जिन लोगों का ज़ाविया निगाह ये है कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब का दीदार नहीं किया और वो किसी आँख की बसात ही नहीं है कि अल्लाह के दीदार को कर सके, जो ऐसी सोच रखते हैं सूरह अन-नज्म की 18 आयतों पर इस्तेदलाल करते हुए उनका कहना ये है कि ये जितनी आयात भी हैं, जिस कुर्ब की बात हो रही है, जिसको तकने की बात हो रही है, वो सिर्फ़ जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम है। अल्लामहु शदीदुल कुवा के सिखाया उसको एक ज़ोरावर ने, तो वो सिखाने वाला उससे मुराद भी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम है। सुम्मा दाना फ़ता दल्ला फ़का न काबा कौसैनी औ अदना, ये जो कुर्ब की बात हो रही है कि दो कमानों का फासला रहा या उससे भी काम, तो इस कुर्ब से मुराद भी वो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम लेते हैं। फिर ये आयात जो मैंने पिछले जुमातुल मुबारक बड़ी सराहत से इन पर बात की थी कि बारी ताला ने इरशाद फरमाया आफ़ा तुमारूना हुआ ला मा यरा, कि क्या तुम इस बात पर झगड़ते फिरते हो जो कुछ मेरे महबूब ने देखा। वाला कद राह नज़लतन उखरा, कि झगड़ते तो तब जो उसने कोई एक बार देखा होता, बल्कि जब वो नज़ूल करके वापस आ रहे थे तो उसने उसे फिर देखा। कहाँ देखा, इन द सिदरतुल मुंतहा, वो जगह भी बता दी कि सिदरतुल मुंतहा पर देखा। आगे पूरी लोकेशन इन दहा जन्नतुल मावा, जिसके नज़दीक जन्नत मावा है। इस यक्ष सिदरा तमा यक्षा, जिस सिदरा को उस वक्त ढांपा हुआ था, जिस शह ने भी ढांपा हुआ था। और आगे फरमाया माँ जागल बसर व माँ तगा, कि फिर ऐसा देखा कि ना आँख जबकि और ना हद से बड़ा। तो उन लोगों का ज़ाविया निगाह ये है जब वो इन आयात की तशरीह करते हैं कि सिदरतुल मुंतहा पर दूसरी बार जिसे देखा था वो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलामी थे और उन्हीं के देखने की बात हो रही है और उन्हीं को देखते हुए ना आँख जबकि और ना हद से बड़े। मेरा सादा सा एक सवाल आप लोगों से ये है कि ज़रा एक लम्हे के लिए फिर चश्मे तसव्वुर में लाएं कि जिस मोहब्बत और कैफ के साथ ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज को बारी ताला ने सूरह अन्नजम की आयात में बयान किया है, तो क्या ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जिब्रील से मुलाकात का बयान हो सकता है? ये बात समझ से बालातर है कि वो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जो हर रोज़ दरबान बनकर दरवाज़ा मुस्तफ़ा पे हाजिर होते थे, बग़ैर इजाज़त के जिनको दम मारने की भी इजाज़त नहीं थी, और उसी शब मेराज वो आका के तलवों को बोसे देकर आका को नींद से बेदार कर रहे हैं, एक खादिम की हैसियत से आका को बुराक पर सवार करके लेके जा रहे हैं, तो क्या उसी जिब्रील को तकना और उनके करीब होना और उनको ऐसे देखना कि ना आँख जबकी और ना हद से बढ़े, ये कोई बात दिल को भाती नहीं है और जहन इन बातों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है? जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को तो खुद वजूद भी मिला तो मुस्तफ़ा के कदमों के सदके से मिला है। वमार सलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब जहानों के लिए रहमत हैं, तो इसका माना यह है कि खुद जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी मेरे आका की रहमत की खैरात का मोहताज है। उसको तो अपने होने के लिए भी कमरी वाले आका के कदमों की खैरात की ज़रूरत है। तो वो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जिनको वजूद भी आका के कदमों की खैरात के सिले में मिला हो, जिनका बाकी रहना भी आका के कदमों की खैरात के सदक़े से हो, और हर रोज़ दरबान बनकर जो मेरे आका के दरवाजे पे खड़े होते हों, तो उस जिब्रील को तकना ये मेरे आका की मेराज नहीं हो सकती है। लिहाजा इन आयात पर गौर करना होगा, और इसका सिवाय इसके और कोई माना नहीं हो सकता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कुर्बतें, ये सआदतें, ये अजमतें, ये रिफ़अतें और अपने दीदार की सआदत अगर अता की है कायनात में किसी को, तो वो एक ही हस्ती है जिस हस्ती का नाम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 1.25 लाख के लगभग अंबिया किराम तशरीफ़ लाए, हर नबी आकर खुदा के एक होने की बात करता रहा, मगर जब भी कोई उनसे सवाल करता कि जिस खुदा के एक होने की बात करते हो कभी खुद भी खुदा को देखा, तो हर कोई यहाँ जवाब नो में देता कि हाँ भाई उसको मान तो रहे हैं और तुम्हें मनवा भी रहे हैं, मगर देखा हमने आज तक हमने भी नहीं है, बस जिब्रील के कहने पर मानते चले आ रहे हैं। तो ये सवाल एक अधूरा चला आ रहा था कि भाई कोई तो कायनात हस्त बूत के अंदर ऐसा भी हो जो उसके होने की शहादत दे, मगर खाली जिब्रील से सुनकर नहीं बल्कि आंखों से देख कर शहादत दे। तो शबे मेराज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सवाल का जवाब भी इंसानियत को अता कर दिया कि हाँ अब मेरे होने पर एक हस्ती ऐसी भी दलील बनकर आ रही है कि जो खाली जिब्रील से सुनकर नहीं बल्कि अपनी आंखों से मेरी ज़ात का मुशाहदा करके तुम्हें मेरे एक होने का ऐलान कर रहे हैं और दावत दे रहे हैं। तो लिहाजा हाज़रीन मुकर्रम, शब मेराज ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज का क्लाइमैक्स ये था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अवदना के मकाम पर बिठा कर बिला हिजाब अपने महबूब को अपना जलवा और अपना दीदार अता किया। और अब ज़रा इन आयात पर गौर करें, मैं पिछली आयात उन तफसील में तो फिर जाने का वक्त नहीं है, मैं सिर्फ़ जो आयात उनवान गुफ्तगू के तौर पर पढ़ी हैं सिर्फ़ उनकी तरफ आपकी तवज्जो मरकूज़ करना चाह रहा हूँ कि बारी ताला ने उन कुर्बतों को बयान करते हुए इरशाद फरमाया सुम्मा दाना फतदल्ला, फरमाया पहले मेरा महबूब करीब हुआ फतदल्ला, फिर उधर से रब करीब हुआ, और कुर्बत का आलम यह था फरमाया फकाना काबा कौसैन, कि मेरा महबूब फिर मेरे यूं करीब हुआ कि सिर्फ दो कमानों का फासला बाकी रह गया। अब ये जो बारी ताला ने दो चीज़ें बयान की कि पहले मेरा महबूब करीब हुआ फिर उधर से रब करीब हुआ, तो आका के करीब होने की बात तो बड़ी सादा सी समझ में आती है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम पाक से चले, मस्जिद हराम से उस सफ़र का आगाज़ हुआ, और फिर आप बैतुल मक़दस में गए, फिर सातों आसमानों की सैर, फिर सिदरतुल मुंतहा, और फिर उससे भी आगे वो लामकान की मुसाफतें जहाँ जाकर रफ़ रफ़ की परवाज़ भी जवाब दे गई और मेरे आका उससे भी आगे तशरीफ़ ले गए, मगर एक मरहला वो भी आया कि जहाँ जाकर ख़ुद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर जब रफ़ रफ़ की परवाज़ भी जवाब दे गई
तो आगे ता हद्दे निगाह जहां तक नजर जाती थी बस नूर ही नूर था, सिवाय नूर की और कुछ नहीं था। आप फरमाते हैं कि फिर मैं उस नूरानी सभा में दाखिल हुआ, और जैसे ही उस नूरानी सभा में दाखिल हुआ तो मैंने थोड़ी अजनबियत सी महसूस की, मगर इस कैफियत के तारी होने की देर थी कि एक बड़ी प्यार भरी, कानों में रस घोलती हुई आवाज़ आई कि कोई बड़े ही प्यार से कह रहा था, किफ या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना रब्बका युसल्ली, क्या प्यारे मोहम्मद ठहर जा कि बेशक तेरा रब तुझ पर सलात पढ़ रहा है। बस इस आवाज़ के कानों में पड़ने की देर थी कि वो सारी अजनबियत जाती रही। अब इस पर मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने और फिर हुजूर शेखुल इस्लाम ने तो बिलखसूस इस नुक्ते पर रोशनी डाली है। आप फरमाते हैं कि देखिए, ये जो बारी ताला ने उस मकाम पर फरमाया कि महबूब ठहर जा कि तेरा रब तुझ पर सलात पढ़ रहा है, तो अब सलात का माना क्या है? अरबी के एक एक लफ्ज़ के कई कई मानी होते हैं। इसी लफ्ज़ सलात का एक माना नमाज भी है जो बिलोमूम हम लेते हैं, मगर इसका माना अगर नमाज लिया जाए तो अल्लाह की ज़ात वो है जो नमाज पढ़ने से पाक है, वो हमारी तरह की नमाज नहीं पढ़ता। फिर इस सलात का माना अगर दरूद व सलाम लिया जाए, दरूद पढ़ना जैसे होता है, तो वो माना भी यहाँ जचता नहीं है कि बारी ताला फरमा ये रहे हैं कि महबूब ठहर जा, रुक जा कि बेशक तेरा रब तुझ पर सलात पढ़ रहा है। तो अगर सलात का माना दरूद है तो दरूद तो अल्लाह हर वक्त ही पढ़ता रहता है, उसको दरूद पढ़ने के लिए अपने महबूब को रोकने की ज़रूरत नहीं है। वो तो खुद कुरान में कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह और उसके सारे के सारे मलाइका हमा वक्त इस नबी मुकर्रम पर दरूद पढ़ते ही रहते हैं। तो अल्लाह तो हर वक्त दरूद पढ़ता है, आका सफ़र में हो वो तब भी दरूद पढ़ता है, आका हज़र में हो वो तब भी दरूद पढ़ता है। अल्लाह तो उस वक्त भी दरूद पढ़ रहा था जब आप अभी हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर आराम फरमा होंगे, अल्लाह उस वक्त भी दरूद पढ़ रहा था यकीनन जब आप हरमे पाक के अंदर इस सफरे मेराज की तैयारी कर रहे थे, अल्लाह उस वक्त भी दरूद पढ़ रहा होगा जब आप मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की मुसाफतें तय कर रहे होंगे, सातों आसमानों की सैर के दौरान भी अल्लाह दरूद पढ़ रहा था। तो भाई अल्लाह तो हर वक्त दरूद पढ़ता है, तो वो कौन सी सलात है कि जिस सलात के पढ़ने के लिए बारी ताला ने एहतमाम किया और फरमाया कि महबूब जरा ठहर जा, रुक जा कि तेरा रब तुझ पर सलात पढ़ रहा। तो हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि अरबी लुगत को जब मैंने खंगाला तो इसी लफ्ज़ सलात के 56 मानी में से एक माना मिला कि सलात का माना होता है करीब होना, यह भी सलात के मानी में से एक माना है। फरमाया जब इस माना पर मेरी नज़र पड़ी तो इस सवाल का जवाब मिल गया कि बारी ताला ने उस सलात के पढ़ने के लिए महबूब को रोका क्यों। बारी ताला ने उस माहौल के अंदर अपने महबूब को रोका इसलिए कि बारी ताला फरमाना चाह रहे थे कि महबूब जैसे दस्तूर ज़माना है जहाँ से तू आया है कि पहले मेहमान सफ़र तय करके आता है और जब वो मंजिल के करीब पहुँचता है तो मेज़बानों को जब पता चलता है कि मेहमान पहुंचने वाला है तो वो मेहमान के इस्तकबाल के लिए, उसको रिसीव करने के लिए घर से निकलकर आगे बढ़कर इस्तकबाल करते हैं। तो बिला तशबीह बिला मिसाल बारी ताला फरमा ये रहे हैं कि महबूब इतना लंबा सफ़र तय करके तू आया है, अब तू ज़रा ठहर जा कि अब तेरा रब खुद तेरे इस्तकबाल के लिए तेरे करीब हो रहा है। तो बारी ताला ने आगे बढ़कर फिर अपने महबूब का वेलकम किया, अपने महबूब का इस्तकबाल किया। तो फरमाया सुम्मा दाना, लोगों पहले मेरा महबूब करीब हुआ, वो सफ़र तय करके आया, फता दल्ला और फिर उधर से रब अपनी शान के लायक अपने महबूब के करीब हुआ। और फरमाया फिर कुर्बत का आलम ये था फ़काना काबा कौसैन, के सिर्फ दो कमानों का फासला बाकी रह गया। इस पर भी बड़ी सराहत के साथ मुफस्सिरीन ने लिखा है इस कुर्ब को बयान करने के लिए कि बारी ताला ने काबा कौसैन कहकर हमें समझाया है कि उस कुर्ब का आलम क्या था। ये जो है ना दो कमानों का फासला, अगर कमान उसकी शक्ल आप अपने जहन में लाएं तो वो एक निसफ दायरे की मानद कमान बनती है। और हुजूर शेखुल इस्लाम ने तो एक मौका पर बाकायदा इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए, हज़ारहा का इज्तिमा था,
आपने बाकायदा स्टेज पर दो लोगों को खड़ा करके बाकायदा ये बात समझाई और लोगों को दिखाया कि काबा कौसैन का माना क्या है। आपने दो लोगों को स्टेज पर खड़ा करके और अपनी गुफ्तगू को रोक कर उन्हें फरमाया कि ज़रा आपस में गले मिले। जब वो दोनों गले मिल गए तो फरमाया देखें जब ये दोनों आपस में गले मिले हैं तो एक ने बाजू फैलाए हैं तो ये एक कमान बनी है, उधर से दूसरे ने बाजू फैलाया है तो दूसरी कमान बनी है। फरमाया बारी ताला इस तशबीह के ज़रिए हमें समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हारी अकलें बग़ैर मिसाल की उस कुर्ब को समझ नहीं सकती। तो फरमाया जिस तरह तुम्हारे यहाँ जब दो दोस्त गले मिलते हैं तो दो कमानें बनती हैं, बस शबे मेराज मेरे महबूब का मेरे साथ कुर्ब का आलम यह था कि जैसे दो दोस्त आपस में गले मिल जाते हैं। फरमाया यहां तक तो बात थी तुम्हारे समझाने के लिए कि तुम्हें समझ आ सके कि उस कुर्ब का आलम क्या था। फरमाया रह गया हकीकी कुर्ब, तो आगे इससे फिर मजीद बात की, फरमाया औ अदना बल्कि इससे भी और करीब। मौला और कितना करीब, तो आगे कोई हत्ता या इला के साथ सिला बयान नहीं किया कि फिर मेरा महबूब यहां तक करीब हुआ, बल्कि आगे बात मुतलक छोड़ दी, उस पर पर्दा डाल दिया। फरमाया लोगों बस मेरा महबूब फिर मेरे इतना करीब हुआ कि जिस कुर्ब को तुम्हारी अकलें समझ भी नहीं सकती, वो मैं खुदा जानूं या मेरा महबूब मोहम्मद मुस्तफा जाने कि उस कुर्ब का हकीकी आलम क्या था। मगर ये सारी बात करने के बाद मौजू से रिलेटेड बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हाजरीन मुकर्रम जरा इस सारी गुफ्तगू को सामने रखते हुए आप फैसला करें कि कोई इतनी कुर्बतों में चला जाए कि जैसे दो दोस्त गले मिल जाते हैं और फिर उससे भी करीब, तो क्या इन कुर्बतों में जाकर भी हमारे आका ने अल्लाह को नहीं देखा होगा? अगर दिखाना ही नहीं था तो इन कुर्बतों पर बुलाने का फायदा क्या था? तो भाई इस कुर्ब का अल्टीमेट रिजल्ट और नतीजा सिवाय दीदारे इलाही की और कुछ भी नहीं निकल सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शबे मेराज अपने महबूब को अवदना की बुलंदियों पर बिठाकर बिला हिजाब अपना दीदार महबूब को अता किया, ताकि महबूब अब तुम्हें अपनी जात पर ऐसा शाहिद बनाकर भेज रहा हूं ताकि रहती दुनिया तक इंसानियत को इस सवाल का जवाब मिल जाए कि हर कोई बिन देखे गवाही दे रहा है, अब एक जात ऐसी भी है जो खुदा के होने पर गवाही दे रही है मगर सुनकर नहीं बल्कि अपनी आंखों से देखकर गवाही दे रही है। यहां तक तो है एक पहलू। अब उसके बाद अगर अहादीस को पढ़ें तो ये सफरे मेराज का मजमून मुतअद्दद कुतुब अहादीस के अंदर ये फैला हुआ है और आम हर तालिब इलम के बस में नहीं है कि वो जुमला मजामीन को अहाते में ला सके। मगर एक मारूफ बात जिसको कोई रद्द नहीं कर सकता, आपके लिए आसान रेफरेंस बताता हूँ, आप सिर्फ तफसीर ज़ियाउल कुरान ले लें, उर्दू में है और पीर करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यह सूरह बनी इसराइल की पहली आयत और सूरह अन्नजम की इब्तदाई 18 आयतों की तफसीर बड़ी शरोबस्त के साथ की है और उसमें बाकायदा आपने अरबी मतन के साथ इस हदीस को बाकायदा नकल किया और इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए जो मैं अगली बात दलील के तौर पर आपके सामने रखना चाह रहा हूं, जिस पर पीर करम शाह साहब ने बड़ा जोर दिया और हकीकत है, उन्होंने हक बात की है। वो कहते हैं कि जब सारी मुलाकात के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट के वापस आने लगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर अपने महबूब को उम्मत के लिए 50 नमाजों का तोहफा भी अता किया और आका जब 50 नमाजों का तोहफा लेकर पलट के वापस आए तो छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा कि आप रब से मुलाकात करके आ रहे हैं तो अल्लाह ने उम्मत के लिए क्या तोहफा दिया? मेरे आका ने जवाब दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 50 नमाजों का तोहफा अदा किया है। वो सुन के अर्ज़ करने लगे कि आका मुझे अपनी उम्मत के हवाले से बड़ा एक्सपीरियंस और तजर्बा है, ऐसा ना हो कि आपकी उम्मत शायद इसका हक अदा ना कर सके, तो मेरा मशवरा है कि आप पलट कर जाएँ और इसमें थोड़ी कमी करवाएँ, तख़फीफ़ करवाएँ। मेरे आका पलट कर फिर अल्लाह की बारगाह में गए, जाकर अर्ज़ की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 5 कम कर दी और 45 देकर फिर भेज दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और उन्होंने फिर पूछा, आपने बताया, उन्होंने फिर वही मशवरा दिया कि ये भी ज़्यादा हैं। अलगरस मुख्तसर कर रहा हूँ, हदीस मुबारका में तो बड़ी तफसील के साथ पूरे 9 चक्रों का जिक्र आता है, 9 चक्कर लगे और आका हर बार छठे आसमान से पलट पलट कर अपने रब की बारगाह में हाजिर होते रहे
और तकाजा एक ही होता कि मौला इसमें थोड़ी कमी कर दे। एंड पे जब पांच रह गई और मेरे आका वो पांच नमाज़ें लेकर पलट के फिर आए और फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने एक बार फिर पूछा कि आका अब कितनी रह गई। आपने फरमाया कि अब पांच रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हिम्मत करके जसारत करके फिर अर्ज़ की कि आका ये भी ज़्यादा हैं, आप एक चक्कर और लगाएं। यहाँ आके हमारे दिलों की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं कि काश दसवां चक्कर भी लग जाता ना तो मौजें ही हो जाती। मगर जो मेरे आका ने जवाब दिया वो जवाब मन की तख्तियों पर लिखने वाला है कि मेरे आका सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे कि मूसा मेरे रब ने तो मना नहीं किया कि अब दसवीं बार नहीं आना, मगर अब मुझे जाते हुए खुद शर्म आती है कि क्या मेरी उम्मत इस काबिल भी नहीं होगी कि जो पाँच नमाज़ों का भी हक अदा ना कर सके। और आप ज़रा एक लम्हे के लिए हम अपने अपने गिरेबानों में झांक कर देखें तो सच्ची बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम का कहना सच साबित हो रहा है कि हम पांच नमाज़ों का भी सही मानों में हक अदा नहीं कर पा रहे। जो कर रहे हैं जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है खुश नसीब हैं, मगर बहसियत उम्मत ज़रा हम अपना जायज़ा लेना कि उम्मत में कितने लोग हैं जिनको पाँच वक्त की नमाज़ पढ़ने की भी फुर्सत कोई नहीं है। और यहाँ रुक कर मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहूँगा कि लोगों नमाज शबे मेराज अल्लाह की बारगाह से मिलने वाला तोहफ़ा है, और अगर कोई किसी के तोहफे की नाकदरी करे तो ज़रा सोचें वो तोहफ़ा देने वाला खुश होगा या नाराज़ होगा। और तोहफ़ा देने वाला खुदा है। अगर नमाज की नाकदरी करके कोई ये सोचे कि शायद वो अल्लाह की रज़ा को पालेगा तो ये कभी भी मुमकिन नहीं है। उसके अता कर दे इस तोहफे की कदर करना होगी, इसका हक अदा करना होगा, कम अज़ कम पंजगाना नमाज को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना होगा और इस फरीज़ा की अदायगी अपने ऊपर ज़रूरी लाजिम करना होगी। ताहम मैं जो बात ख़ास करने वाला था वो ये कि हाज़रीन मुकर्रमा पीर करम शाह साहब ने वो सारी अरबी मतन के साथ हदीस मुबारक लिख कर फिर उसके अंदर वो जो आका पलट पलट कर बार बार छठे आसमान से अल्लाह की बारगाह में जाते रहे उन अल्फाज के ऊपर बाकायदा ख़त खींचा। वो ख़त कशीदा अल्फाज, ये पेपर्स के अंदर एक सवाल आता था कि इन ख़त कशीदा अल्फाज की तशरीह करें, इनके मानी लिखें, तो इसी तरह समझे वो ख़त कशीदा अल्फाज हैं जिनको आपने हाईलाइट किया और हाईलाइट करके फिर आगे तफसीर करते हुए उस पढ़ने वाले को मुतवज्जे करके कहते हैं कि पढ़ने वाले जरा बार बार रोक कर इन अल्फाज पर गौर कर कि ये जो छठे आसमान से आका पलट पलट कर वापस आ जा रहे थे क्या वो जिब्रील की बारगाह में नमाजें कम करवाने के लिए जा रहे थे या खुदा की बारगाह में जा रहे थे। क्या जिब्रील की मजाल है जो खुदा की अता करदा 50 नमाजों में तख़फीफ कर सके और कमी कर सके। और वो कलेमात हैं इला रब्बे का अपने रब की बारगाह में बार बार पलट कर जा रहे थे, तो जिसका माना ये है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा रब के बुलाने पर गए मगर हदीस बता रही है कि 9 मर्तबा छठे आसमान से हमारे आका अपनी मर्जी से पलट पलट कर रब की बारगाह में जाते भी रहे और वापस आते भी रहे। तो पिछली नशिस्त में मैंने बताया था कि 2 मर्तबा की मुलाकात और देखना तो कुरान बता रहा है, और अगर हदीस को मिला लें तो 9 मर्तबा की मुलाकात उससे बढ़कर आगे हदीस बता रही है। तो सिर्फ कुरान और हदीस को अगर बुनियाद बनाया जाए तो 11 बार की मुलाकात तो कुरान और हदीस की नस से साबित हो रही है। फिर आगे ईमान अफरोज़ बात जिस पर आज की गुफ्तगू को हम वाइंड अप करेंगे, ये भी बड़ी ईमान अफरोज़ बात है और सोचने की बात है कि नमाजों में कमी का मशवरा देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर बार इंतखाब मूसा अलैहिस्सलाम का किया, हालांकि उससे ऊपर 7वां आसमान भी दरमियान में आता था। आका जब पलट के आते होंगे तो 7वां आसमान पहले आता होगा और वहाँ जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद थे, उन्होंने ये मशवरा नहीं दिया, बल्कि नमाजों में कमी का मशवरा हर बार मूसा अलैहिस्सलाम ही देते रहे। क्यों? इस पर भी मुफस्सरीन ने बहस की है। वो कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ही का इंतखाब बारी ताला ने इसलिए किया था कि जब तूर पे मोहब्बत में मचल कर जब वो मीठी मीठी आवाज़ कानों में पड़ी थी और मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की थी रब्बे अरिनी अंज़ुर इलैक, ए पर्दे के पीछे से बोलने वाले महबूब मैं एक झलक भी करना चाहता हूँ, ज़रा पर्दा हटा ताकि देख सकूँ, तो जवाब मिला था लन तरानी, मूसा तेरी आँख में इतनी ताब नहीं है कि तू हमारे जलवे को पा सके।
कहते हैं कि वहाँ मोहब्बत में मचल कर मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 मर्तबा अल्लाह को देखने की दुआ की थी, और नबी की दुआ हर बार कबूलियत का तकाजा करती है। वहाँ तो वह तूर पर जब सिफाती तजल्ली पड़ी तो तूर ही सलामत ना रहा, रेजा रेजा हो गया जिसको वास्ता और आईना बनाया था, और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलवे से महरूम रहे। तो होश आने पर बारी ताला ने फरमाया होगा कि मूसा आज तो ये तूर पहाड़ है जो मेरी सिफाती तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर सका, और तू मेरे जलवे से महरूम रहा है, अब तेरी दुआ को 9 मरतबा हमने पूरा भी करना है। अब इंतज़ार कर, आने वाले वक्तों में एक रात ऐसी भी आएगी कि जब मेरा महबूब अवदना की बुलंदियों पर आएगा, और मूसा उस रात अवदना के मकाम पर बिठा कर मैं अपनी ज़ात का जलवा अपने महबूब के कल्बे अनवर पर फरमाऊंगा। और मेरे महबूब का कल्बे अनवर कोई तूर पहाड़ नहीं है जो जल के रेजा रेजा हो जाएगा। मूसा तूने 9 मरतबा देखने की दुआ की थी, और तेरी दुआ हर बार कबूलियत का तकाजा करती है। मूसा मैं उन्हें 50 नमाजों का तोहफा दे के बेच दूंगा, तू हर बार नमाजों में कमी के बहाने उन्हें वापस पलटाते रहना, मेरा महबूब हर बार मेरे जलवों को समेट समेट कर आएगा। मूसा तो मुस्तफ़ा के जलवों में खुद खुदा के जलवे को पाते चले जाना। तो ज़रा चश्मे तसव्वुर में लाएं कि कमरी वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो हैं कि जिनके वद्दुहा मुखड़े के जलवों में खुदा ने खुद अपना जलवा अपना दीदार मूसा अलैहिस्सलाम को भी करवा दिया, और उम्मती अभी इसी बात पर कश्मकश में है कि आका ने खुद भी देखा या नहीं देखा। इस पर सोचने की और गौर करने की बात है कि हमने क्या अकीदा बना रखा है और क्या सोच बना रखी है कि कहाँ आका की शान कि अल्लाह ने अपने हुसन का ऐसा मजहर उन्हें बनाकर भेजा कि फिर मूसा अलैहिस्सलाम को भी 9 मरतबा हुस्न मुस्तफ़ा में खुद अपना दीदार करवा दिया। और हम इसी झगड़े में पड़े हुए हों कि आका ने खुद भी देखा या नहीं देखा, तो ये काबिल गौर बात है और सोचने की बात है कि हमने ये क्या सोच और क्या अकीदा बना रखा है। ये वजह थी कि जब आका पलट कर वापस आए तो आका ने यह भी फरमाया कि मन रानी फकद राल हक, लोगों आओ अब जो खुदा को देखना चाहता है वो मुस्तफ़ा का नज़ारा कर ले। ये शान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को अता करके भेजा, और इसमें कोई ताज्जुब और हैरत की बात नहीं है। किताबें भरी पड़ी हैं, मैं सिर्फ एक ही ईमान अफरोज़ बात आपको बताता हूँ। सिलसिला नक्शबंदिया के एक बड़े अजीम बुज़ुर्ग गुजरे हैं, हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह, दिल्ली शरीफ के अंदर आपका मज़ार है, और मेरी खुश नसीबी और सआदत है कि मुझे उनके मज़ार पर हाज़िरी देने का शरफ़ भी मिला। अल्लाह ने उनको बड़ा ऊँचा दर्जा और मकाम अता कर रखा था। अब उन तफसीलात में जाने का भी इस वक्त वक्त नहीं है, मैं बिल्कुल मुख्तसर करते हुए बता रहा हूँ कि आपका एक खादिम था, नान बाई था, रोटियाँ पकाता था, मेहमान सुबह आते दोपहर आते रात को आते जिस वक्त भी आते वो खाने पका पका कर लंगर पका पका कर पेश करता। हज़रत एक दिन खुश हो गए और खुश होकर उस नान बाई से फरमाने लगे भी आज जो मांगना है मांग, तुम्हें अता किया जाएगा। सादा सा बंदा था रोटियां पकाने वाला, कुछ ज़्यादा समझ बूझ तो नहीं होगी, बस सोच सोच के अर्ज़ करने लगा कि अच्छा हज़रत अगर देने पर आ गए हैं तो फिर यूँ करें मुझे भी अपने जैसा बना दो। आपने बड़ा समझाया कि भाई ये मुश्किल मरहले हैं, फिर संभाला नहीं जाएगा, तो आप कुछ और मांगें। मगर सादा लोगों की बातें बड़ी पक्की सी होती हैं। वो पलट के कहता है कि मैंने मांगा थोड़ा था, आपने खुद ही कहा है, तो अगर देना है तो तकाजा एक ही है कि मुझे भी अपने जैसा बना दे। जब आपने देखा कि ये अपनी ज़िद से हटने वाला नहीं है तो कहते हैं कि हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उन्हें पकड़ा, अपने सीने से लगाया, एक तवज्जो की, और तवज्जो का असर ऐसा हुआ कि उसका जाहिर और बातिन बदल दिया। अब देखने वालों को समझ नहीं आती थी कि ख्वाजा बाकी बिल्ला कौन है और नानबाई कौन है, ऐसा रंग चढ़ा दिया कि जाहिर और बातिन में कोई फर्क बाकी ना रहने दिया। फर्क सिर्फ इतना था कि ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह होश में थे और नानबाई मदहोश थे। ज़र्फ़ छोटा था, अब उसमें पड़ ज़्यादा गया, अब संभाला नहीं जा रहा था, फिर वो ज़्यादा अरसा हयात नहीं रहे, फिर बहुत जल्द वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मगर ये एक बात बताकर ये कहना चाह रहा हूँ कि हाज़रीन मुकर्रम,
अगर हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उस नान बाई पर तवज्जो फरमा दें तो रंग ऐसा चढ़ा दें कि देखने वाले फ़र्क महसूस ना करें कि ख्वाजा बाकी बिल्ला कौन है और नान बाई कौन है। और ऐसा ही वाक़या गार सौर के अंदर जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे तो उस तीन शबो रोज़ की इत्तेहादी तवज्जो का असर ऐसा हुआ, अबू बकर पर रंग ऐसा चढ़ा कि जब हिजरत का सफ़र करके मदीना में पहुँचे तो मदीना वालों को समझ नहीं आ रही थी कि नबी कौन है, सिद्दीक कौन है। रंग ऐसा चढ़ा दिया गया था, कोई आका के हाथ चूमता, कोई अबू बकर के हाथ चूमता, हालांकि नबी नबी होता है, गुलाम गुलाम होता है, मगर वो रंग ऐसा चढ़ गया था। जब अबू बकर ने देखा कि लोग मुगालते में पड़ रहे हैं तो जल्दी से अपनी चादर लेकर आका के सरे अनवर पर तान के खड़े हो गए और चादर तान कर इसलिए खड़े हो गए ताकि हार आने वाले को पता चल सके कि आका कौन है और गुलाम कौन है, ये फ़र्क वाजे हो सके। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कमरी वाले आका की तवज्जो हो जाए तो अबू बकर पर रंग चढ़ जाए, ख्वाजा बाकी बिल्ला की तवज्जो हो तो नान बाई पर ऐसा रंग चढ़े कि देखने वाले फ़र्क महसूस ना करें। तो हाजरीन मुकर्रम ज़रा चश्मे तसव्वुर में लाएं, जब शबे मेराज अवदना पर बिठा कर उस रब ने अपने महबूब पर तवज्जो की होगी तो ज़रा सोचो रंग कैसे चढ़े होंगे, अहवाल कैसे बदले होंगे, कैफियत कैसे बनी होगी। तो ये वजह थी कि जब आका पलट कर वापस आए तो आका ने फरमाया मन रानी फकद राल हक, लोगों आओ अब जो खुदा को देखना चाहता है वो मुस्तफा का नजारा कर ले। तो आका की शान और अजमत तो ये है कि अल्लाह ने उनको अपने हुसन का मजहर बनाकर भेजा, आपके मुखड़े से खुद खुदा भी नजर आता है। मैं आखिरी बात कह के बात खत्म कर दूंगा वरना इस मौजू पर कहने के लिए भी बहुत कुछ है। देखिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाई के नाम के इज्तिमा में सहाबा से मुखातिब होकर फरमाया हल उनब्बियुकुम बिखियारिकुम, मेरे गुलामों क्या मैं तुम्हें यह ना बता दूं कि तुम में से अच्छा कौन है, तुम में से अल्लाह का वली कौन है। अर्ज करने लगे आका जरूर इरशाद फरमाएं, मेरे आका फरमाने लगे खियारुकुम अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़िक्रल्लाह, फरमाया सुन लो तुम में से अच्छे वो हैं, अल्लाह के दोस्त वो हैं, वली वो हैं कि जिनके चेहरों को देखो तो खुदा याद आ जाए। ये आका बयान फरमा रहे हैं वली की शान बयान पर हैं, फरमाया वली की शान ये है कि जिसके चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाए। अरे जिस नबी के उम्मती को देखने से खुदा याद आता हो तो नबी वही हो सकता है जिसके चेहरे को देखें तो खुदा नजर आ जाए। भाई अगर नबी के चेहरे को देख पर भी खुदा ने याद ही आना है तो फिर नबी और उम्मती में फ़र्क तो कोई ना रहा, अगर उम्मती के चेहरे को देखें तो खुदा याद आता है तो यकीनन उस उम्मती का नबी ऐसा होना चाहिए जिसके चेहरे को देखें तो खुदा नज़र आ जाए। और ये शान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को अता करके भेजा कि महबूब अब तुम्हें अपने हुसन का ऐसा मजहर बनाकर भेज रहा हूँ कि अब जिसने तुझे देखा बस यूँ समझे उसने मुझे देखा। तो लहाजा शबे मेराज आपके सफरे मेराज का क्लाइमैक्स ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अवदना की बुलंदियों पर उस खलवत के समा में बिठाकर बिला हिजाब अपने महबूब को अपना दीदार अता किया। और हमारी मेराज इसी में है कि हम सारी जिंदगी बस आका के कदमों तक रसाई हासिल करने पर लगा दें। वो किसी ने क्या खूब कहा है ना कि आका तेरी मेराज के तू लौहो कलम तक पहुँचा। और थोड़ी सी तरमीम करके मौजू से रिलेटेड बात अगर यूं कर ली जाए कि आका तेरी मेराज के तू जलवाए खुदा तक पहुंचा और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। हमारी मेराज इसी में है कि आका के कदमों तक रसाई हासिल कर लें। अगर आका के कदमों तक रसाई हो गई तो बस फिर खुदा भी मिल जाएगा और खुदा का रसूल भी मिल जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मैंने जो कुछ कहा समझकर ईमान लाते हुए कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और सुची गुलामी का पट्टा अपने गले में डालने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।